हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ एमजे। आज है संडे और ये है अपनी संडे अपडेट की वीडियो। तो संडे अपडेट की वीडियो जो है वो बहुत दिनों के बाद बन रही है आज, क्योंकि फ्रेंड्स लगातार बारिश की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। और प्लांट्स की कंडीशन तो अभी ठीक है, कैसी है वो आप देख लीजिए अभी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स आपको कवर करूँगा। कौन से प्लांट की कंडीशन अभी अच्छी चल रही है, कौन से प्लांट की कंडीशन अभी ख़राब चल रही है, मैंने कौन सी ट्रीटमेंट की है कौन से प्लांट पे, ये सारी चीज़ें आज आपको यही एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। मे भी थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मॉनसून की सीज़न में भी आपके पौधे अच्छे रहेंगे, आपके पौधे के ऊपर क्या ट्रीटमेंट करनी है, ये सारी जानकारी अगर आपको लेनी है तो पूरी वीडियो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको मेरे गार्डन का एक ऐसा हिस्सा बताने वाला हूँ जो टोटली इंडोर प्लांट से भरे हुए हैं। इनमें से फ्रेंड्स कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो सनलाइट वाले पौधे हैं, लेकिन मोस्टली ऐसे प्लांट्स हैं जो शेडी लोकेशन वाले प्लांट हैं। तो जो शेडी लोकेशन वाले प्लांट्स हैं फ्रेंड्स, उनमें जो ग्रोथ होती है वो ज़बरदस्त होती है ये मानसून की सीज़न में। आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये प्लांट होते ही रहेंगे। आपको एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि देखते रहना है कि वो प्लांट के अंदर वाटर लॉगिंग नहीं होता। अगर वाटर लॉगिंग होता है तो बाद में ये आपके इंडोर प्लांट्स या तो शेडी लोकेशन वाले प्लांट्स मर सकते हैं। जैसे कि देख रहे फ्रेंड्स, ये है हमारा एरेका पाम। यहाँ से मैं शुरू करूँगा। एरेका पाम की ग्रोथ देखिए, पत्ते की साइज देखिए, बहुत ही सुंदर हो चुकी है और बड़े बड़े हो चुके हैं। आगे चलेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम मनी प्लांट को देखेंगे। तो मनी प्लांट के ऊपर आपको थोड़े बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल जाएंगे, वो है फंगल इन्फेक्शन का। फंगल इन्फेक्शन मानसून की सीज़न में मनी प्लांट पे इजीली लग सकता है, तो आपको फंगीसाइड का स्प्रे करते रहना है। बीच में मैं फंगीसाइड टोटली, मैंने कोई भी इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड नहीं डाला था लगातार बारिश की वजह से, तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे जितने भी कोलियस है वो अपने आप ही बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ कर रहे हैं। लगातार विंटर्स तक ये ग्रोथ करते रहेंगे। मानसूनस और विंटर्स, ये दो सीज़न ऐसी होती है कि कोलियस बहुत ही अच्छे ग्रो होंगे। बाद में समर्स में थोड़े से ठंडे हो जाते हैं, थोड़ी सी इसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। हमारे एग्लोनीमा की कंडीशन भी आप देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पे पत्ते जल रहे हैं, लेकिन कुछ नए पत्ते हैं वो अभी बढ़िया चल रहे हैं। ये भी फंगल इन्फेक्शन की निशानी होती है। अगर एक्स्ट्रा ज़्यादा पानी अगर इसके अंदर जाता है तो भी इसके पत्ते ऐसे जल सकते हैं, क्योंकि ये जो एग्लोनीमा का पौधा है उसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। बारिश की सीज़न में लगातार पानी जाता रहेगा तो बाद में ये इश्यू आपके एग्लोनीमा पे आ सकती है। ये हमारे एरेलिया है, जो ड्वार्फ एरेलिया है, उसकी ग्रोथ देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा बढ़िया ग्रो हो रहा है। ये हमारे रिबन प्लांट है, रिबन प्लांट भी बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। आगे चलेंगे फ्रेंड्स, हमारे जो सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट है और बाद में हमारे प्लूम्बेगो यानी चित्रक के पौधे हैं, वो अभी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मानसून की सीज़न में ये पौधे को पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बारिश का, तो इसकी जो कंडीशन है वो कुछ ऐसे हो जाएगी। तो ये नॉर्मल है, जैसे ही बारिश रुकेगी आपको बस ट्रिमिंग वगैरह करना है फिर से, और बाद में ये प्लांट विंटर सीजन में फिर से बहुत ही अच्छी ब्लूम्स देना शुरू कर लेंगे। ये जो हमारे क्रोसेंड्रा है, क्रोसेंड्रा के ऊपर भी ऐसे उसके जितने भी फ्लावर्स है वो ख़राब हो चुके हैं। प्लांट की कंडीशन बढ़िया है। वैसे क्रोसेंड्रा जो होता है वो मानसून की सीज़न में ख़राब हो जाते हैं, मेरे क्रोसेंड्रा जो अभी है वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मैंने हमेशा इसके रूट्स पे काम किया है, ह्यूमिक एसिड ट्राइकोडर्मा जैसा फर्टिलाइजर रेगुलरली दिया है। सेम ये जो हमारे इग्जोरा देख रहे हैं, जो बड़े फ्लावर्स वाले इग्जोरा होते हैं, इसकी भी कंडीशन देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर फ्लावर्स इसके ऊपर अभी बनना स्टार्ट हो चुके हैं। पत्ते की साइज़ देखिए, पत्ते की साइज़ भी बहुत ही अच्छी और बड़ी पत्ते की साइज़ है इसकी, तो ये प्लांट भी हमारे बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। जो अपराजिता होते हैं फ्रेंड्स, अपराजिता की कंडीशन ये मानसून की सीज़न में थोड़ी सी फ्रेंड्स, इसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि ये जो पत्ते हैं, पत्ते के ऊपर आपको ओवरऑल माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी दिखेगी, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी, जिंक डेफिशिएंसी, मैंगनीज डेफिशिएंसी, तो अलग अलग डेफिशिएंसीज इसके अंदर आ जाती है। तो मे बी ये प्लांट मानसून की सीजन में आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, तो आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करना है इसके ऊपर, ताकि ये जो प्लांट है मानसून की सीजन में भी अच्छे ग्रोथ करे। वैसे ऐसी कंडीशन में भी आपके जो अपराजिता के पौधे हैं वो फ्लावरिंग ज़रूर देंगे। जैसे कि देख रहे हो, ये वाइट कलर का अपराजिता है सिंगल पेटल, ये भी देख रहे हैं ये पर्पल कलर का है। तो ये जो मेरा क्रिसमस ट्री है, क्रिसमस ट्री के साथ ही ये मेरा अपराजिता का प्लांट ग्रो हो रहा है।
यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं, ये मेरा वन ऑफ द हाइबिस्कस का प्लांट है जिसको मैंने रिपॉट और रूट प्रूनिंग नहीं की थी, क्योंकि ये प्लांट एकदम फ्लरिश हो रहा था तो मुझे नहीं लगा कि ये प्लांट को मुझे रूट प्रूनिंग करनी थी। सिर्फ ये एक ही प्लांट है जिसकी मैंने रूट प्रूनिंग की है, बाकी बहुत सारे हाइबिस्कस की मैंने रूट प्रूनिंग कर ली है और अभी ये जो प्लांट देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत और बुशी बन रहा है। जो प्लांट की फ्रेंड्स मैंने रूट प्रूनिंग और रिपोर्टिंग की है वो ये सारे हाइबिस्कस है जैसे कि देख रहे हो। आज मैंने अपने हाइबिस्कस के ऊपर ट्रिमिंग कर दी है। ट्रिमिंग कैसे करनी है उसके ऊपर अलग वीडियो मैंने बना दी है। फर्टिलाइजर कैसे देना है ट्रिमिंग के बाद वो भी मैंने बताया है वो वीडियो में। लेकिन जैसे कि ये जो देख रहे हैं ये सारे हाइबिस्कस की मैंने ट्रिमिंग कर ली है। ट्रिमिंग करने से इसके ऊपर से फिर से नई शूट्स डेवलप होगी और ये जो प्लांट है मुझे सितंबर अक्टूबर और नवंबर तक बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स दे पाएगा, क्योंकि ये जो हाइबिस्कस के पौधे होते हैं वो नवंबर तक आपको बहुत ही अच्छी ब्लूम्स देंगे। दिसंबर में जब ठंडियाँ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी तब ये डोरमेंट हो सकते हैं, बाद में फरवरी से फिर से ये प्लांट आपको ब्लूम्स दे सकते हैं। लेकिन जनवरी में आपको फिर से उसके ऊपर ट्रिमिंग करनी होगी और फर्टिलाइज़र वगैरह उसके रूट्स में अप्लाई करने होंगे और बाद में ये प्लांट फिर से फरवरी मार्च अप्रैल मई महीने तक बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा। जून जुलाई में फिर से आपको इसको रिपोर्टिंग करना हो या तो ट्रिमिंग करना हो वो फिर से आप कर सकते हो। तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करते रहना है अपने हाइबिस्कस में, इससे आपके जो प्लांट की कंडीशन है वो मेंटेन रहेगी और फ्लावरिंग्स वो लगातार देता रहेगा। जैसे कि देख रहे हो ऑलमोस्ट सारे हाइबिस्कस के ऊपर मैंने ट्रिमिंग कर दी है। यहाँ पे जो देख रहे हैं फ्रेंड्स ये हमारे तुलसी जी के पौधे हैं जो हद से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा विग्रस ग्रोथ कर रहे हैं इसके ऊपर। तो मॉनसून की सीज़न में हमारे तुलसी जी के जो पौधे होते हैं वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़े लीव्स प्रोड्यूस करता है। जैसे कि देख रहे हैं कितने सुंदर और बड़े लीव्स इसने प्रोड्यूस किए हैं। तो ये जो प्लांट है ये भी बढ़िया चलेगा। हमारे जो इंडोर लोकेशन के दूसरे प्लांट्स हैं हमारे क्रोटॉन्स वगैरह उसके ऊपर भी ग्रोथ आपको बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। इंडोर प्लांट्स बेसिकली मॉनसून की सीज़न में मैक्सिमम ग्रोथ आपको इसके ऊपर देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स जो हमारे अलमंडा वगैरह जो समर सीज़न के जो पौधे होते हैं जो समर सीज़न में ब्लूम्स देते हैं वो आज भी मॉनसून की सीज़न में लगातार ब्लूम्स देते रहेंगे अप टू नवंबर महीने तक। ये प्लांट को बस अच्छी खासी सनलाइट चाहिए, लेकिन अभी सनलाइट नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो प्लांट है मुझे बहुत ही अच्छी ब्लूम्स दे रहे हैं। ये वन ऑफ द बुश वेराइटी के अलमंडा है जो अभी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स ये मैंने पुष्पांजलि नर्सरी से कुछ रोज परचेस किए थे, उसकी कंडीशन में आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोग इसके ऊपर वीडियो पूछ रहे तो मे बी कल इसकी वीडियो आ जाएगी कि ये प्लांट को अब मैं कैसे ट्रीट करूंगा, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से मैंने ये प्लांट के पीछे कोई भी काम नहीं किया था, सिर्फ बारिश का पानी जाता था, फंगीसाइड का स्प्रे और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे बीच बीच में मैं कर लेता था, बाकी सारा खेल बारिश का पानी ही करता था। यानी कि इसको बारिश के पानी की वजह से इसके ऊपर ग्रोथ बहुत ही अच्छी और ज़्यादा हो चुकी है। जो प्लांट की ग्रोथ जैसे कि देखोगे ये जो प्लांट है जो मेरा फर्स्ट पार्ट ये प्लांट का देखोगे तो ये छोटे छोटे प्लांट्स थे, अब ये जो प्लांट है वो बड़े बड़े प्लांट हो चुके हैं। अबाउट महीने डेढ़ महीने का टाइम हुआ है और महीने डेढ़ महीने में ये सारे हमारे जो पुष्पांजलि रोजेज वाले प्लांट है वो बहुत ही सुंदर अभी ग्रोथ इन्होंने स्टार्ट कर दिए। ये है एक स्टैंडर्ड रोज जो मैंने पुष्पांजलि रोज से मंगवाया था और यहाँ पे भी जैसे कि देख रहे हो ये भी एक स्टैंडर्ड रोज है जो मैंने पुष्पांजलि नर्सरी से मंगवाया था और ये प्लांट की भी ग्रोथ देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हो चुकी है। ये है हमारा मधुकामिनी का प्लांट, अभी इसके ऊपर फ्लावरिंग सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ये भी हमारे बहुत ही सुंदर चल रहे हैं। एक व्यूअर ने मुझे पूछा था कि ग्रेप प्लांट का अपडेट दीजिए, ये जैसे कि देख रहे हो ये मेरा ग्रेप प्लांट है। अब एक इश्यू मेरे ये प्लांट में ये हो गई है कि एक साइड की पूरी एक ब्रांच इसकी डेवलप हो चुकी है और एक साइड की ब्रांच अभी भी डेवलप नहीं हुई है, तो मुझे उस पर काम करना है। ये जो पत्ते हैं ये ग्रेप्स के पत्ते ऐसे हो ही जाते हैं, नॉर्मल है। मॉनसून की सीजन में आपको ग्रेप्स के पत्ते के ऊपर ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। पीछे देख रहे हैं बंदर जा रहा है, यहाँ पे मेरे यहाँ आज बंदर आए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि देख रहे हो ये जो देख रहे तो ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा नुकसान करते हैं हमारे पौधे को, तो इसीलिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे केज वगैरह डलवा दिया है। ये जो देख रही है मेटल केज है मेरी, तो इसकी वजह से मेरे जो रोजेज वगैरह है वो सेफ़ रहते हैं, मेरे प्लांट्स सेफ़ रहते हैं। तो बंदर का इश्यू मेरे यहाँ पहले से है तो मैंने उसका सॉल्यूशन तो ला दिया है। अब जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स ये जो ग्रेप्स का प्लांट है इसके ऊपर फंगीसाइड स्प्रे करोगे तो भी ये इश्यू आपको देखने को मिलेगा, तो ये नॉर्मल है। लेकिन जैसे जैसे फ्रेंड्स और टाइम जाएगा मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर से एक दूसरी नई स्टेम और हेल्दी स्टेम प्रोड्यूस हो और मैं वो साइड उसको दे दूँ। ये देख रहे हैं, ये जो देख रहा है
मेटल केज की वजह से मैं सेफ हूँ। ये कोई भी जितनी भी कोशिश कर ले ये अंदर नहीं घुस पाएगा अब, क्योंकि मेटल की वजह से हमारा ये केज सेफ हो चुका है। तो ये मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट खाएगा। मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट जैसे कि देख रहे हो इसकी जो बेल है वो ऊपर तक जा रही है, तो मॉर्निंग ग्लोरी के प्लांट को वो खाता रहेगा। चलिए अब हम अपना काम करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे जो देख रहे हैं मेरे जो रोजेज हैं, रोजेज के ऊपर अभी जो देख रहे हैं फ्रेंड्स जो कंडीशन है, इसके बहुत सारे लीव्स अभी येलो होके गिर जाएंगे। रोजेज के लीव्स येलो होके गिरने का रीज़न ये होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बारिश का पानी गया है मेरे रोजेज में। अब अच्छी बात यह है कि जो भी बारिश का पानी गया उसके सामने ये जो प्लांट है मुझे नए लीव्स भी प्रोड्यूस करके दे रहा है, तो मतलब मैं प्लांट का ग्रोइंग प्रोसेस चल रहा है, रूट सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा पानी जाने की वजह से इसके लीव्स येलो होके गिर रहे हैं। और सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है, जो भी मेरे रोजेज है इसके भी लीव्स सब येलो होके गिर रहे हैं, लेकिन उसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है बारिश की सीज़न में, अगर आपके यहाँ बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही है। और एक चीज़ और करना होगा फ्रेंड्स कि आपको अपने पौधे को जो भी आपके जो रोजेज़ है वो फ्लावरिंग्स दे रहे हैं, जैसे ही इसके फ्लावर्स खिलते हैं कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपको उसको कट कर देना है। अभी आपको बस यही करना है कि फ्लावरिंग्स लेते रहिए, फ्लावरिंग्स लोगे और जैसे ही फ्लावरिंग्स ड्राई हो जाते हैं उसके बाद आप ये प्लांट के ऊपर फ्लावर्स कट कीजिए। ये चीज़ करने से फ्रेंड्स प्लांट के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और मोटी शूट्स डेवलप होते हुए दिख जाएंगी, और जो प्लांट है आने वाली सीज़न में भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जो देख रहे हैं फ्रेंड्स हमारे जो मिनिएचर वेराइटी के रोज़ है वो सबसे बढ़िया चल रहे हैं अभी, ज़्यादा इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो देख रहे हैं हमारे मिनिएचर वेराइटी के रोज़, तो इसके ऊपर भी मैं सेम चीज़ कर रहा हूँ। फ्लावर्स जैसे ही निकलते हैं वो फ्लावर्स को मैं कट कर देता हूँ, जब वो ड्राई हो जाते हैं तभी मैं कट करता हूँ। एक प्रॉब्लम फिर से मेरे गार्डन में आ चुकी है, वो प्रॉब्लम ये है, वो है कैटरपिलर्स की। ये जो देख रहे हैं ये कैटरपिलर्स ने ये हालत कर दी है मेरे प्लांट की। ये जो देख रहे हैं ये सारे कैटरपिलर्स हैं। तो ये जो रेन लिली के पौधे होते हैं फ्रेंड्स इसको कैटरपिलर्स ख़राब कर देते हैं, तो ये इश्यू बना रहता है मॉनसून की सीज़न में। अब ये कुछ ऐसे प्लांट है जो मेरे गार्डन के प्लांट है, अभी मैंने आपके साथ शेयर किया है। और अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ प्लांट से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।